जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हर लड़की किसी भी लड़के से पढ़ सकती है अगर लड़का ये दिखाए कि सच बता रही हूँ। मैं यार कितनी कूल हूँ। वेलकम बैक टू एपिसोड नंबर 2 ऑफ हायर। थैंक यू सो मच, इतना प्यार दिया आपने पार्ट 1 को, जिसने हमें मोटिवेट किया पार्ट 2 बनाने को। और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अच्छा अच्छा कंटेंट हम बनाते रहते हैं। आप लोग जबरदस्ती बनवाते हैं यार ये मुझसे वीडियो। जबरदस्ती जब से रसभरी आई है उसके बाद से मैं उसको कह के थक गया कि पार्ट 2 बनवा ले, पार्ट 2 बनवा ले। अगर आपको अपने क्वेश्चंस भेजने हैं तो ट्विटर पर जाके यू कैन फॉलो मी ऑन फ्लाइंग बीच 320, उस पर आप हायराम 3 के जो कि अगस्त के लिए हम बनाएंगे उस पर अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। और अगर आप थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भेजेंगे तो मुझे पिक करेंगे और जवाब देने में मज़ा आता है। विवेक एग्लियासिस, ये एनरिके का भाई है क्या? गौरव सर, क्या आपको शादी से पहले ऋतु भाभी या किसी लड़की के साथ मैसेज पे बात करते हुए पकड़ा गया है? अच्छा, मैंने पकड़ा किसी लड़की के साथ? आपको शादी के पहले ऋतु भाभी? क्या, बहुत बार मैंने चुपचाप इनका फोन चेक कर दिया था, उसमें पता चला लड़की को लिखे तुम्हारी ऐसे वाले बाल ज्यादा अच्छे लगते हैं वैसे वाले बाल से। मैं कहा ओ वाओ, मैं बता तू कैसे ऐसे वाले नहीं, जो यहाँ से आते हैं जिसमें आधी आंख छुप जाती है। चलो बताती हूँ कैसे वाले बाल अच्छे लगते हैं। नहीं, बट इन माई डिफेंस वी वर नॉट डेटिंग एट दैट टाइम, वी वर जस्ट इन टॉक्स, मतलब सिर्फ बयाना बयाना हुआ था हमारा। मेरे को तो समझ नहीं आता ये ऑफिशियल डेटिंग फिर होती कब है। सिर्फ बयाना हुआ था, मेरे को तो लगता था बयाना हुआ था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी बाकी थी। मुझे तो लगता था भाई वी आर इन अ सीरियस रिलेशनशिप आई गेस, और ये एट दैट टाइम वी वर नॉट इन अ सीरियस रिलेशनशिप, वी वर जस्ट थॉट, वी जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग यार। अरे तू, अब मैं आई डोंट टॉक विद एवरी गाय ना, कि दैट टाइम आई वाज हॉट प्रॉपर्टी इन मार्केट, पता है? हां, मार्च में लड़के थे मेरे पीछे, एंड देयर वाज इवन आई वाज अ हॉट प्रॉपर्टी। हां, हॉट प्रॉपर्टी, पुरानी बिल्डिंग में नया पेंट करके हॉट प्रॉपर्टी नहीं होती। सयाली टैंक, कौन सा टैंक है ये, दारू का कि पानी का? #hairam, have you ever faced a creative blockage? What do you do to get rid of it? देखिए, ब्लॉकेज हर किसी को आ सकता है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप थोड़ा फाइबर ज़्यादा खाएं और सुबह उठते ही 4 glass गर्म पानी पिए तो आपका ब्लॉकेज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दिस इज़ माई रिकमेंडेशन ऑफ क्लियरिंग ब्लॉकेज, क्रिएटिव ब्लॉकेज। मेरे को क्रिएटिव आती पता है। हाँ, लेकिन हो जाता है ऐसा, क्रिएटिव ब्लॉकेज होती है। अब क्या बनाए, बोल भाई, संजय बलीरा बंसाली है तू, क्रिएटिव ब्लॉकेज होती है मुझे। घंटा कुछ काम करती नहीं है, एक भी घंटा। मैं कभी, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं उनका एक जो होता है कि असिस्टेंट या फिर एक जो मेंटोर होता है जो उनको एडवाइस करता है, ये मेरी मेंटोर है। कोई भी वीडियो बन जाएगा ना, मैं ऋतु इस वीडियो का टाइटल बता, इतना क्लिक बेट टाइटल बताती है, इतना क्लिक बेट की, मतलब मेरा मेंटोर ही ऐसा है, गड्ढा मेंटोर है मेरा। गौरव सांदिल्य, आपने भाभी के लिए कितनी बार करवा चौथ रखा है? मैंने एक बार रखा करवा चौथ लास्ट ईयर, इसका की वीडियो मैं यहाँ लिंक कर दूंगा, ऊपर आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगा। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि लड़कियाँ बहुत जताती है अपने हम लोगों को कि करवा चौथ रखा, करवा चौथ रखा। मैंने इसलिए रखा था ये देखने के लिए कि कितना दर्द होता है, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट एक्चुअली। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, वो सरप्राइज था और ये मैं मानती हूँ कि इनकी क्षमता बहुत ही ज़्यादा थी, बिकॉज मुझे पता नहीं था कि इन्होंने करवा चौथ रखा है। और इनकी यूट्यूब मीट थी उस दिन, इतना बोल रहे थे ये, सबसे बातें कर रहे थे, शाम को मेरी हालत टाइट थी, बट मुझे ये नहीं पता था कि इन्होंने भी नहीं पानी पिया है। बिना खाना बिना पानी के निकाल लिया, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, औरतें ना बस दिखाने के लिए ज्यादा, इट इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं। एक काम करते हैं, लेट्स कीप दिस चैलेंज, वी विल कीप दिस चैलेंज ऑन दिस ईयर्स करवा चौथ व्हिच विल कम, आई विल मेक अ टीम ऑफ माय सब्सक्राइबर्स, दे विल कीप अ करवा चौथ एंड वी विल सी कितना डिफिकल्ट है। सबकी बीवियां को हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, क्या आइडिया, हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे द करवा चौथ बॉयज,
और जिसमें से जो जो खिलाड़ी आउट होता जाएगा वो अपने आप को अनसब्सक्राइब करता जाए, वो ग्रुप लीड करता जाएगा। अगर आप लोग रखोगे तो बीवियों की एज बढ़ जाएगी, तो आप सोचो अब रखना है कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन आ रहा है क्षितिज गुप्ता की तरफ से। सपोज इफ भाभी जी हैज एनोनिमस फ्रेंड विद होम शी टॉक्स डेली एंड दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, वन डे यू केम टू नो दैट हर फ्रेंड इज योर एक्स गर्लफ्रेंड, व्हाट विल बी द रिएक्शन एंड हाउ विल यू हैंडल दैट? मैं तो हक्के बक्का, मतलब दो दिन तक मैं घर पे आऊंगा चुप, बिकॉज आई विल बी अंडर प्रेशर ना कि क्या क्या सारे सीक्रेट बताओगे फिर मेरे को, अच्छा ये ऐसे करते थे और चालू बनते और ऐसे दिखाते हैं। चुप, आई विल बी स्टम्प्ड बेसिकली, मेरे पास कुछ बोलने को नहीं होगा, मैं बस इंतजार, मैं विल बी वेरी नाइस टू हर फॉर कपल ऑफ डेज, आई विल बी वेरी नाइस टू हर। सुकन्या मित्रा, हाय राम, आफ्टर दिस वेरी हाउ मच योर लाइफ चेंज एंड बॉन्डिंग बिटवीन यू एंड ऋतु भाभी और योर बॉन्डिंग इज गेटिंग स्ट्रांग डे बाय डे। मैं बताती हूँ क्या हुआ, रसभरी के बाद मुझे तो ऐसा लगा यार ये पराए हैं कोई, भाई ये पराए हैं सच में। मतलब मैं और रसभरी सो रहे हैं, पहले क्या होता था तो मैं सो रही हूँ तो या जब भी फ्लाइट से आते थे तो आके मेरे को किस करेंगे या फिर थोड़ा हग करेंगे। अब क्या होता है मैं और रसभरी सो रहे हैं, ये 3 दिन बाद आ रहे हैं लेट से, फिर भी आके बस रसभरी को किस करके चले जाएंगे और मैं बिल्कुल ऐसे है यार, इतने बदल जाते हैं लड़के बच्चे होने के बाद, बहुत बदल जाते हैं। जो कहते हैं ना हाँ हमारा प्यारा प्यारा प्यार था ये सब, वो सिर्फ बच्चे होने तक ही होता है सब खत्म। हाँ अब यार वो मासूम सी फूल सी बच्ची, उसका प्यारा सा मुंह, तेरा विशाल का है दानव जैसा मुंह, देखो उसके गाल पे पुच्ची करो, इतने साफ साफ गाल है इसके। पहले तो बड़ा कहते थे इसके गाल पे पुच्ची करो, पता नहीं क्या थ्रेडिंग भी नहीं कराती, चुपते मुंह पे बाल। पहले तो बड़े कहते थे है तो बिल्कुल बच्ची सी लगती है, छोटी सी कहते थे मेरे को पहले, कि वो इतना प्यारा सा छोटा सा मुंह है उसका, इसका मतलब सूप नखा जैसा मुंह, मोटा सा। तो फिर खुद को देखो आप तो बिल्कुल दाना, मैं तो राणा में डावण जैसा, तो कहती है उतना ही टाइम तो उतना ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट हाँ थोड़ा सा हो जाता है, बट नहीं मुझे तो लगता कम हो जाता है। तेरा भी ये फिर दिन में बच्चे खा जाती है, मेरे को कहाँ ध्यान देती तू, मैं ले रहा था फोन करती है तू, मैं फोन तो मैं पहले भी नहीं करती, मैं को फोन वोन पे बातें करना पसंद नहीं है। रजनीश पुनः आते हैं, मैं आपके 4 दोस्त के साथ था, वो भी मेरी चाय की बहुत तारीफ करते थे, और तो मेरा क्वेश्चन है कि मेरी अगर दुकान है तो आप चाय पीने आओगे? बिल्कुल चाय पीने आऊँगा, अपने दुकान का एड्रेस ईमेल कर दीजिए मेरे को, पहुँच जाएंगे। रोहन से, आई एम डॉक्टर एंड सीइंग योर नॉलेज आई एम अमेज्ड, हाउ एन इंजीनियर कैन हैव सच इन डेप्थ नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन, हाउ डू यू मैनेज दैट? थैंक यू रोहन फॉर दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि इसमें मेरी तारीफ हो रही थी और इसका लेने का कोई मकसद नहीं था, थैंक यू रोहन। गौरव कुमार मुझसे आस्क, हाय राम भैया आपसे एक सजेशन चाहिए था, जिस जैसे कि कुछ लोग लड़की से बात करते करते टाइम अनकॉन्फिडेंट फील करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़े? तो ये मेरे साथ ऐसी बहुत प्रॉब्लम थी, जब मैं कॉलेज में था तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो रहता था, मतलब आई टू फील वेरी अनकम्फर्टेबल, और अब ओवर कॉन्फिडेंट हो। आई यूज़ टू फील वेरी अनकम्फर्टेबल टॉकिंग टू गर्ल्स, सो मैंने उसका बहुत सिंपल सा इलाज है, पहले मैं वी कट वाले अंडरवेयर पहनता था तो आई वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल, फिर मैंने लंबे कच्चे पहनना शुरू किए तो आई वॉज वेरी कम्फर्टेबल, तो उसके बाद फिर आप ये ट्राई करिए, रूपा के पहनिए चाहे जॉकी के पहनिए, बट खुले पहनिए, हवा लगे तो आप कम्फर्टेबल रहेंगे, आराम से बात करेंगे। ऑन अ सीरियस नोट गाइस, इसमें अनकम्फर्टेबल होता है कि वैन यू आर नॉट कॉन्फिडेंट विद इन योर सेल्फ, तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और बात करेंगे तो फिर तो ये क्या नहीं है कॉन्फिडेंट हो, ये क्या बात हुई? नहीं अब ये जवाब देंगे आप, दीजिए जवाब, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, अनकंफर्टेबल रहता है लड़की से बात करते हुए, ये ज्यादा सोचो मत, दोस्त की तरह बात करो, ये मत सोचो, लेकिन फिर वो फ्रेंड जोन, हाँ वो फ्रेंड जोन में चला जाएगा ना बेचारा। नहीं नहीं यार पागल हो क्या, लड़कियों को जो पसंद आना होता आ जाता है, सुनो बिल्कुल मैं तुम्हें कहती हूँ बिल्कुल ना ऐसे बात करो कि वो लड़की वो नहीं है जिसे आप पसंद करते हो, वो लड़की वो है बस ऐसे दोस्त है, नॉर्मली उससे खुल के बात करो, उल्टा तब ज्यादा उसको आप पसंद खुल के क्या बात करो, जिसके अगर उसकी बॉडी अच्छी ना हुई तो नहीं मतलब आप बस चिल्ड आउट होगी। नहीं मेरे से मैंने यही ट्राई किया था, जिस लड़की को जो मुझे लगता था कि मुझे आई एज टू अप्रोच हर एंड टॉक टू हर एज अ फ्रेंड, मुझे फ्रेंड बनाना है, उससे मैं बहुत अच्छे से बात कर लेता था और हमारी दोस्ती भी अच्छी रहती थी, बट जिसको मैं पसंद करता था ना क्रश था उससे मैं बात करने में घबराता था, सोचो मत कि वो आपका क्रश, बट फिर दिक्कत क्या है वो फिर दोस्त बनती थी, फिर वो कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनी। नहीं ऐसा नहीं है, बन जाएगी वो दोस्ती को गर्लफ्रेंड में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं पता यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे लगता है देखो हर लड़की किसी भी लड़के से पढ़ सकती है अगर लड़का ये दिखाए कि वो उससे बहुत प्यार करता है, सच बता रही हूँ, उसके लिए तुम एक्स्ट्रा एफर्ट्स करोगे ना तो विद टाइम शी विल फॉल फॉर यू, मुझे ये लगता है। लेकिन ये आलसी है ना मेरे सब्सक्राइबर्स, ये इतना हर्ट करना नहीं चाहते, ये जाता है सिर्फ मलाई मिल जाए दूध ठंडा ना करना पड़े। मनीष ठाकुर, हाय सर मैं क्वेश्चन है शादी के बाद लाइफ में क्या क्या चेंज आए हैं, मींस लाइफ पहले कैसी थी अब कैसी है? पहले भी अच्छी थी अब भी अच्छी है। एक्चुअली सच बोलूँ तो आई एम लविंग दिस पार्ट मोर, शादी के पहले भी मजे आते थे बट वो बिस्तर फैला रहता था मजे नहीं आते थे, अब बिस्तर साफ मिलता है चाय टाइम पे मिल जाती है, घर सुथरा रहता है तो अच्छा लगता है। यार मेरी लाइफ बहुत बोरिंग थी शादी से पहले, बहुत बहुत बोरिंग और बहुत रोंदड़ू टाइप। हम तो माइकल जैक्सन थे, हम तो वर्ल्ड टूर करते थे।
मेरे को तो मजे आते हैं खूब अब आराम से, क्योंकि एवरी मतलब एवरी मोमेंट आई हैव हिम कि मुझे कुछ भी ज़रूरत है, कोई भी बात है, मैं सीधा इनको फ़ोन करती हूँ, रोने लगती हूँ या वट एवर जो भी बात होती है, आई जस्ट कॉल हिम अप। कुलदीप पांडे से गौरव भाई, रितु भाभी इज ऑसम, हर सेंस ऑफ ह्यूमर इज ग्रेट एंड लव यू। ये कोई नाम क्या तुम्हारा भाई साहब? कुलदीप पांडे, रितु भाभी सेंस ऑफ ह्यूमर इज ग्रेट। मिल जाओ मेरे को कहीं बेटा, पैसे खाए इसने। आई डोंट लाइक योर क्वेश्चन। बुलशिट क्वेश्चन, क्वेश्चन हर्ट मी, बुलशिट क्वेश्चन। नेक्स्ट, योगेश राजेश मौर्य, क्या आपको या भाभी जी को किसी सब्जेक्ट में बैक लगा है? कभी फेल हुआ है क्लास स्कूल में? हां, मैं एक बार हुई थी क्लास 6 में। और मैं भी क्लास 6 में यार, और मैं भी क्लास 6 में यार। उन्होंने कभी बात की ना? मेरी बहुत बेइज्जती हो गई थी क्लास में। एक्चुअली फेल होने में बेइज्जती होती है, कौन सा मेडल कौन सा मिलता है यार? मैं बताती क्या हुआ, एक्चुअली क्या था कि मैं बहुत इंटेलिजेंट थी पहले। यार वीडियो में ये तो ये लाइन इसके अरुण में आती आती है। अच्छा, पिछले जो वीडियो में लोग कह रहे हैं, आज कमेंट करते हैं कि रितु भाभी से बोलो नेक्स्ट वीडियो अपना मार्कशीट लेके आए, लोगों को यकीन नहीं है तेरे ऊपर। व्हेन डिड यू बोथ लव द हार्डेस्ट एंड व्हाट हैपेंड टू मेक यू डू दैट? एक हमारे वीडियो में भी है वो, है ना? हां, मेरे को भी वही याद है। एक्चुअली क्या था कि वो वीडियो मैं लिंक कर दूंगा यहाँ पे, उस वीडियो की स्टार्टिंग में यू कैन वॉच दैट। एक्चुअली तब हमारा सेकंड चैनल ओपन नहीं था। था और वो चल नहीं, जब वीडियो चल नहीं रहे थे उसके। हाँ, एक्चुअली सेकंड चैनल हमने जस्ट हमने फ्लाइंग बीच पे शुरू के 4-5-6 वीडियो अपलोड किए थे और वो चल नहीं रहे थे उतने, क्यों सेकंड चैनल हमारा चल नहीं रहा था। तो हमने कहा यार क्या बात है भाई, अंकल ये शूट कर रहे हैं हम लोग कैमरे में, यहाँ बैठ जाइए अभी हम यहाँ पे। तो तब तक हमारा एक सेकंड चैनल स्टार्ट ही हुआ था और हमारी वीडियोस चल नहीं रहे थे और हम बहुत हार्ड वर्क करते थे। तुम लोग हमें लगता था, हमें लगता था हमारा कंटेंट इतना अच्छा है फिर भी लोग देख नहीं रहे, और मतलब पता नहीं बाकी लोगों का भी देखते रहते, हमारा क्यों नहीं देखते यार? रितु भाभी को बोलो मार्कशीट दिखाएं। हाँ, दिखा देंगे। विपिन वर्मा, क्या रितु भाभी के साथ डेट पे आपकी एक्स मिली है? और हैव यू एवर डबल डेटेड रितु समवन एल्स? आई नेवर डबल डेटेड एंड आल्सो बिलीव कि इफ यू आर अ जेंटलमैन नेवर डू दैट, नेवर। अगर आपको अपने रिलेशनशिप में आप खुश नहीं है, टेल दैट वुमन और गाय दैट इट इज नॉट वर्किंग, उसको खत्म करो, देन एंटर अ न्यू रिलेशनशिप। इट इज वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, आई बिलीव दैट। ब्रेकअप करके आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। गौरव भाई, अगर आप में रस भरी रोने लगे तो आप दोनों में से किसकी आंख पहले खुलती है? गजानन शिंदे मेरी, ऑफ कोर्स। बिकॉज़ देखो मैंने ट्राई, मैंने एक बार रिशर्ट लगाई कि तो आज रात को रसभरी को मैं संभालूंगा, उठा भी मैं, रो रही है रसभरी, रो रही है और सो गए। उठो, इसने बॉटी कर दी, मैं करूंगा मैं साफ करूंगा। इसीलिए भगवान ने माँ बनाई है यार, क्योंकि भगवान हर जगह नहीं हो सकता और माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। जैसे लास्ट क्वेश्चन में टेके भैया, कभी किसी और लड़की को देख के ऐसा लग रहा है कि क्या थोड़ा वेट कर लेते तो शायद अच्छा मॉडल हाथ लग जाता? ये कौन है? हितेश का। आइए मैं आपको बताती हूं जरा। नहीं, मैंने सारे मॉडल ठोक बजा के देखे थे, यही मॉडल बेस्ट लगा मुझे। मैंने सारी BMW मर्सिडीज चला के देखी, बाद में मारुति सुजुकी पे आया। टेस्ट ड्राइव मैंने सबके लिए थी, पसंद एक ही मॉडल आया, थोड़े डेंट वेंट इधर उधर लगे हुए थे, एवरेज अच्छा देती है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग इन योर क्वेश्चन दिस टाइम। अगले बार के क्वेश्चन आप ट्विटर पे देख सकते हैं, दे सकते हैं, विच इज फ्लाइंग बीस T20 एंड नाउ रितु विल डू वॉकिंग, आई विल गो बैक होम एंड मेक वन मोर कप ऑफ टी।